वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। मित्रों, नवरात्रि का पहला दिन यानी कि माँ शैलपुत्री का दिन। इस दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया जाता है और पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। हिमालय हमारी शक्ति, दृढ़ता, आधार और स्थिरता का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। भगवती का वाहन वृषभ, दाहिने हाथ में शूल, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक बार वह अपने पिता के यज्ञ में गई तो वहाँ अपने पति भगवान शिव के अपमान को सहन ना कर सकी और उन्होंने वहीं पर अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ और ये शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री का आपको पूजन कैसे करना है? तो पूजन में सफेद तिल, दूध, सफेद चंदन, बेलपत्र और सूखे फल में मखाने का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन कलश स्थापना, अखंड ज्योति की स्थापना आदि करने के पश्चात आप करिए माँ शैलपुत्री का पूजन। इसके लिए माँ शैलपुत्री का आप सबसे पहले ध्यान कीजिए, उनका आवाहन कीजिए। आवाहन करने के पश्चात उन्हें स्नान करवाइए गंगा जल से, शुद्ध जल से, या आप चाहें तो पंचामृत से भी माता को स्नान करवा सकते हैं। स्नान करवाने के पश्चात आप उन्हें वस्त्र अर्पित कीजिए। माता को सफेद रंग बहुत प्रिय है तो आप सफेद या लाल रंग के वस्त्र माता को अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र अर्पित करने के पश्चात उन्हें रोली से और सिंदूर से टीका कीजिए। ये करने के पश्चात आप उन्हें पुष्प चढ़ाइए। तो पुष्प में भी माँ को सफेद रंग के पुष्प बहुत प्रिय हैं और माँ को सबसे प्रिय है चमेली का पुष्प, तो अगर हो सके तो माता रानी को ये जरूर चढ़ाइए। इसके पश्चात माता को धूप दीप दिखाइए और उसके बाद माता को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य भी उन्हें सफेद रंग का अर्पित कीजिए, मतलब माता को आप दूध या सफेद रंग की मिठाइयां नैवेद्य के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और माँ को सबसे प्रिय है गाय का शुद्ध घी। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री को गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से व्यक्ति को आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है और वो सदैव निरोगी रहता है। भोग लगाने के बाद ये शुद्ध घी आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से माता को आप नैवेद्य अर्पित कीजिए, फिर वहीं पर बैठ करके माता के कवच का, स्तोत्र का पाठ कीजिए। ये सब करने के पश्चात आप माता की पूरे विधि विधान के साथ आरती कीजिए। एक चीज और मित्रों, प्रतिपदा तिथि को देवी को स्नान के लिए आप कुछ विशेष चीजें अर्पित करते हैं। स्नान के उद्देश्य से आप उन्हें चंदन अर्पित करते हैं और उन्हें बाल धोने के लिए आप आंवला या त्रिफला अर्पित करते हैं। ये कार्य आपको सिर्फ प्रतिपदा के दिन करना होता है। तो माँ को स्नान के भाव से ये चीजें आप अर्पित जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं माता के स्तोत्र के पाठ से। प्रथम दुर्गा त्वहि भव सागर तारिणी, धन ऐश्वर्य दायिनी शैल पुत्री प्रणमाम्य हम। त्रिलो जननी त्वहि परमानंद प्रदीयमान, सौभाग्य आरोग्य दायिनी शैल पुत्री प्रणमाम्य हम। चराचरेश्वरी त्वहि महामोह विनाशिन, भुक्ति मुक्ति दायिनी शैल पुत्री प्रणमाम्य हम। मित्रों, शैलपुत्री माता के पूजन से मूलाधार चक्र जागृत होता है जिससे अनेक प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कवच पाठ। ओंकार में शिरह पातु मूलाधार निवासिनी, ह्रींकार पातु ललाटे बीज रूपा महेश्वरी, श्रींकार पातु वदने लावण्या महेश्वरी, हुंकार पातु हृदयम तारिणी शक्ति स्वघृत, फटकार पात सर्वांगे सर्व सिद्धि फल प्रदा। तो मित्रों, इस कवच का भी आप जरूर पाठ कीजिए। इसके पश्चात आप वहीं पर बैठकर माँ शैलपुत्री के विशेष मंत्र का एक माला जाप करें। वो विशेष मंत्र है ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः।
ओम शम शैलपुत्री देव्यै नमः। मित्रों, माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए नवरात्रों के पहले दिन माँ के पहले स्वरूप में माँ शैलपुत्री का पूजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ शैलपुत्री की आरती आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री की पावन कथा। एक बार दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शंकर को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया गया। माता सती ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी ये इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे नाराज हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए, लेकिन हमें नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। लेकिन शंकर जी के कहने के पश्चात भी माता सती नहीं मानी। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शिव ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। माता सती पिता के घर पर पहुंचकर देखती हैं कि वहां कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है, केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत दुख पहुंचा। ये सब देखकर सती माता का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। वे अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन ना कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वही योगाग्नि के द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध हो अपने गड़ों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। माता सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। तो ये थी माँ शैलपुत्री की पावन कथा। अब इस दिन के कुछ विशेष उपाय। मित्रों, पहले दिन कन्याओं को, छोटी कन्याओं को आप अगर फूल भेंट करते हैं और कोई श्रृंगार की सामग्री देते हैं, तो ये आपके जीवन में शुभता लेकर आता है। अगर आप माँ सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो श्वेत पुष्प माता को जरूर अर्पित करिए। अगर आपके मन में कोई भौतिक कामना है, तो इन्हें लाल पुष्प आप जरूर चढ़ाइए। इसके बाद अगला उपाय, आज के दिन आग्नेय कोण में एक अखंड दीपक प्रज्वलित करें, जो नवमी तिथि तक जलता रहे। प्रतिदिन दीपक की पुष्पादि से पूजन करें, आपके घर में उपस्थित दक्षिण पूर्व दिशा के वास्तु दोष का अंत होगा। तीसरा उपाय, प्रॉपर्टी या वाहन का सुख पाने के लिए नवरात्रि भर किसी गरीब बूढ़ी महिला या नेत्रहीन को आप भोजन जरूर कराइए और वस्त्र इत्यादि दान में दीजिए। कन्याओं को दूध, केसर और सुगंध से बनी हुई चीजें खिलाइए। ऐसा करने से आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन से जुड़ी हुई सभी प्रकार की जानकारियाँ। हम आशा करते हैं ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी होंगी। नमो नारायण।